अगर आपने 4 मार्च के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं और आपको लगता है कि इतने सारे करंट अफेयर्स पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, और अब एग्ज़ाम्स भी अभी रिसेंटली आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम्स भी आपके बहुत हाई लेवल के नहीं है, जैसे आपका अग्निवीर का है, एसएससी का है, रेलवे का है, जीडी का पेपर है, आपका एमएनएस का पेपर है, तो आपको पता है आपको बहुत कम 2 या 3 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं और वो लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कवर होते हैं। तो आप इस सीरीज में डेली 10 टू 15 क्वेश्चंस अगर आप डिस्कस कर लेंगे मेरे साथ तो आपके पूरे दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले एग्जामिनेशन में, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आपके सिर्फ 15 मिनट इसमें लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, और आप जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आज के क्वेश्चन है 4 मार्च के, उनको आप बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का टाइम है, आप जैसे कॉलेजेस जाते हो या कहीं वर्क करते हो तो इसको आप देख लें तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन हमारा पहला है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ऑन विच डे इंडिया सेलिब्रेट्स द नेशनल सिक्योरिटी डे एवरी ईयर, कि नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th मार्च। 4th मार्च को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और जितने भी आपके सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको हम एक्नॉलेज करते हैं। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस हो सकती हैं, आपके आर्म फोर्सेस हो सकती हैं, पुलिस और इस तरह के जितने भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज हैं, उसमें अगर हम स्पेशल देखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ द एजेंसीज लाइक योर पुलिस हो गया, पैरामिलिट्री यूनिट्स हैं, गार्ड्स हैं, कमांडोज हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं और अदर यूनिट जिसमें आपके पुलिस, ये सब कुछ इन्वॉल्व रहता है, उनको हम एक्नॉलेज करते हैं। इसमें से आपको ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो सकता है कि इस बार की इसकी थीम क्या थी, बिकॉज थीम में आपको बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चन, बट इम्पॉर्टेंट डेज की थीम आपसे ज़रूर पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी डे 2023 की जो थीम थी, दैट वॉज नर्चर यंग माइंड्स एंड डेवलप द सेफ्टी कल्चर। थीम वाले थीम आपने इन डेज की जरूर करके जानी है, स्पेशली सम ऑफ द आपके जितने भी जो ग्लोबल उसमें, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे डेज सेलिब्रेट होते हैं, मुझे वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा था, जैसे आपके नेचर से हो गया, डिसेबिलिटी के साथ, इस तरह के बहुत सारे डेज हैं, उनकी थीम्स आपने ज़रूर करनी है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल डेज हैं उसमें ये 4th मार्च को सेलिब्रेट होने वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी डे इसकी थीम और ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया होस्टेड द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स इन विच सिटी ऑन द 3rd मार्च 2023। तो इंडिया ने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग को होस्ट किया कल 3rd मार्च को। ये बताना है कि कौन से सिटी में किया गया, दैट इज एक्चुअली होस्टेड इन न्यू दिल्ली। कहाँ होस्ट किया गया, ये नई दिल्ली में होस्ट किया गया। और क्वाड में आपको पता ही है कौन कौन सी कंट्रीज होती है, नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 जापान, देन USA एंड नंबर 4th इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपको ये 4 नेशंस, जो आपके 4 नेशंस हैं क्वाड में जो आते हैं, आपको ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत सारी क्वाड्स हैं बट ये क्वाड जिसमें इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA, ठीक है। इनका मेन मोटिव ही है चाइना को काउंटर करना, ठीक है, बिकॉज ये सारी की सारी कंट्रीज जो है चाइना को काउंटर करने चाहती है, दैट इज वाई दे हैव मेड देयर ओन क्वाड, ओके। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज कि हु इनॉग्रेटेड द 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। पहले तो आपने याद रखना है कि 7th इंटरनेशनल है, 7th एडिशन है एक तरह से। सेकेंड बात है, दैट इज धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस एट भोपाल, और ये कब इनॉग्रेट करी गई थी, 3rd मार्च 2023 को, एंड दैट इज डन बाय आपके देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने इसको इनॉग्रेट किया कॉन्फ्रेंस को, 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और वो नाम क्या है उसका, धर्मा धम्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद रखना है, एंड दैट इज ऑर्गेनाइज प्लेस भी, कभी कभी ना एग्जामिनेशन में क्या आता है आपको प्लेस भी पूछ लिया जाता है कि कॉन्फ्रेंस जो थी वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, तो आप याद रखेंगे कि दैट इन भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। कब हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच डे
क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेज एंड थीम्स वाले क्वेश्चन आपको पता है इंपॉर्टेंट ही रहते हैं. आपका क्वेश्चन है कि ऑन विच डे वर्ल्ड सेलिब्रेट्स द वर्ल्ड ओबेसिटी डे एवरी ईयर. ओबेसिटी मोटापे के साथ रिलेटेड है और मोटापा एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम के लिए, क्योंकि हम जितने भी फास्ट फूड खाते हैं उसकी वजह से हमें मोटापा ज़्यादा आ जाता है. ठीक है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपने याद रखना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और इसकी थीम भी आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है. चेंजिंग प्रस्पेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबिसिटी. ठीक है, थीम क्या है? चेंजिंग प्रस्पेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबिसिटी. मतलब बात करते हैं मोटापे के बारे में, उसके रीजन्स के बारे में, उसके कॉजेज के बारे में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का चलो आंसर तो आपको विजिबल ही है, बट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री की इकॉनमी के लिए भी. क्वेश्चन है कि गोल्ड माइन्स फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज दियोगढ़, कियोलंजार एंड मयूरभंज. ठीक है, दियोगढ़, कियोलंजार एंड मयूरभंज, 3 डिस्ट्रिक्ट के उड़ीसा में हमें क्या मिला है? गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं. J&K में रिजर्व्स मिलने के बाद ये दूसरा आपका सेकंड मेटल है, दैट इज गोल्ड, और बहुत ही वैल्यूएबल है ये, तो आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है. बट आप मुझे यहाँ पर बताओ, एक कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताना कि J&K में जो हमें रिजर्व्स मिले हैं वो किसके मिले हैं. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व्स इंडिया को मिले हैं, जिससे हमारी डिपेंडेंसीज ऑन किसी के ऊपर हम डिपेंड हैं चिप्स बनाने के लिए, वो कम हो सकती है. ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, अदरवाइज इसकी वीडियो मैंने एक पीछे बनाई है जिसमें बताया है कि J&K में कौन सा हमें ऐसे रिजर्व्स मिले हैं. सेकेंड है गोल्ड. गोल्ड के बारे में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हो गोल्ड मैक्सिमम कौन सी रॉक्स में पाया जाता है? गोल्ड जो है वो मैक्सिमम इग्नियस रॉक्स में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, क्वार्ट्ज, जहाँ जो लावा से रॉक्स बनी होती है इसमें इग्नियस है, क्वार्ट्ज है, कभी कभी मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी सोना मिलता है. ठीक है, पर सबसे ज़्यादा इग्नियस, जिनको कि अग्नि चट्टाने बोलते हैं, मेटामॉर्फिक्स मतलब कायंत्रित, उनमें भी मिलता है, लेकिन सेडामेंट्री मीन्स अवसादी चट्टानों में कम गोल्ड पाया जाता है. अवसादी चट्टानों में नहीं मिलता है, लेकिन एल्यूवियल सॉइल, जिसको कि प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं, जो रिवर डेल्टास में होता है या रिवर बेड्स में. ठीक है, बहुत सारे आपके रिवर, गोदावरी, कृष्णा, फिर स्वर्ण रेखा, इस तरह के जो रिवर्स हैं इनके बेड्स में सोना, तो एल्यूवियल सॉइल के डिपॉजिट में गोल्ड मिलता है, बट उसकी क्वांटिटी बहुत लेस होती है. ज़्यादा सोना जो है वो इग्नियस, क्वार्ट्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, तो ये उड़ीसा में रिजर्व्स मिले हैं, बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is कि which countries are signed as a framework mechanism for the mutual recognition of qualification, that is India and Australia. India और Australia ने ये एक framework sign किया है कि हमारे देश की जो qualification का system है, मतलब जो degrees हम लेते हैं वो Australia में valid होंगी और जो Australia वाली है वो India में valid होंगी. इससे क्या रहेगा बेटा, जो students हैं, जितने भी students हैं, if they want to find jobs, अगर उनको जॉब्स देखनी है इन कंट्रीज में, मतलब ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स को इंडिया में एंड इंडियन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके लिए क्या हो जाता है ये, इट विल बी इजी फॉर देम, उनके लिए वो आसान हो जाएगा. ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है, और द मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री फॉर गेटिंग एजुकेशन और फॉर जॉब्स, दैट विल बी इजी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेजिडेंट, हमारी कंट्री की जो प्रेजिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है, एंड द नेम ऑफ द कैंपेन इज कैच द रेन 2023. कैंपेन का क्या नाम है? कैच द रेन 2023 कैंपेन. अभी कैच द रेन क्या रहेगा, नाम से आप समझ आते हो, कैच द रेन का मतलब हो गया कि बारिश को पकड़ना है, बट वाई? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर. देखो यहां पे आप देखें, ये आउटलुक न्यूज़पेपर की मैंने एक कटिंग यहां पे लगा के रखी है, अगर आप इसको देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेटा एग्जामिनेशन में बन सकता है. ठीक है, सी हियर, कैच द रेन 2023 उन्होंने लॉन्च किया था, ये जो आपका कैंपेन है, ठीक है ना, आज इसको लॉन्च किया, और इसकी जो थीम है आपने वो भी याद रखनी है, थीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थीम होगी
सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स कि ड्रिंकिंग, बिकॉज रेन को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बोला जाता है, जबकि अब बहुत सारे एसिड घुलने की वजह से नहीं रहा है बहुत सारे प्लेसेस में, ठीक है। तो आपने इसकी थीम भी याद रखोगे, सोर्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इसकी थीम है। और ये जल शक्ति अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए टैप वाटर हर घर में प्रोवाइड किया जाएगा, सेफ टैप वाटर। बहुत सारे मिशंस कैंपेन्स लॉन्च होते हैं, उसी के फ्लैगशिप में ये कैच द रेन 2023 जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसका मेन मोटिव क्या है, टू एम्पावर वुमेन। ऑब्वियस है, औरतें ही घरों में, और स्पेशली अगर आप सिटीज़ को छोड़ दें ना, तो अगर आप सिटीज़ में भी देख लें जो बहुत पुअर पीपल हैं, उनमें भी फीमेल ही वो टैप वाटर भर भर के घरों में लाती हैं। विलेजेस में चले जाओ तो कुएं से लाना या कहीं से इस जगह से रिसोर्सेज से लाना, ये सारा काम औरतें ही करती हैं। तो ऐसे अगर वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी तो वुमेन का टाइम बचेगा एंड द वुमेन विल बी एम्पावर्ड। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। सुबह उठ के कुएं से पानी लाना और फिर अपना जीवन चलाना, ये छोटी बात नहीं होती, हमें इसकी रियलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि जापान, यूएसए, साउथ कोरिया एंड ताइवान, ये फोर कंट्रीज ने एक्चुअली में क्या किया है, लॉन्च द चिप फोर टॉक्स। क्या लॉन्च किया बेटा, चिप फोर टॉक्स, चिप फोर। अभी चिप फोर आपको पता है कि ताइवान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चिप्स बनाई जाती हैं, और चिप्स आपको पता ही है कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, एवरीवेयर। तो इनका ये कंसर्न है जापान का, यूएसए के एंड साउथ कोरिया का, बिकॉज ताइवान स्ट्रेट पे आपने देखा है चाइना बार बार जाके क्या करता है, ठीक है ना। कभी ये कंट्रीज, क्योंकि पूरी के पूरी ताइवान पर डिपेंडेंट है, तो ये सोचते हैं कि भी अगर चाइना ने ताइवान को कैप्चर कर लिया तो फ्रॉम देयर दे विल गेट दिस चिप। तो वो एक क्या बना रहे इसमें, सप्लाई चेन बना रहे, इसके लिए ये टॉक्स जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी चिप फोर, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, 4 मार्च का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है, ठीक है, दैट इज कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द शक्ति नेशनल कन्वेंशन 2023। शक्ति नेशनल कन्वेंशन 2023 ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मैक्रो, सॉरी है ना, एक मिनट, एम से आपका बनता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। एक बार इसकी फुल फॉर्म आप फिर से देख लेना। ये आपका जो शक्ति नेशनल कन्वेंशन 2023 किसने ऑर्गेनाइज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो एम से बनेगा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसमें जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योरर्स हैं उनको फैसिलिटेट करा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में नियर अबाउट हमने 12 क्वेश्चंस आज के 4th मार्च के डिस्कस किए होंगे। अगर आप ये चार क्वेश्चन, ये सॉरी 4th मार्च के ये 12 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आपको यहाँ वहाँ जीके के लिए या मतलब करंट अफेयर्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके कोई भी सीबीटी का एग्ज़ाम कोई भी आने वाला है, रेलवे का है या आपके एमएनएस का है या अग्निवीर का है या आपने सीआरपीएफ का भरा है, डिफेंस के भरे हैं, स्टेट के भरे हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले, ठीक है। कल मैंने कल कहा था कि एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी, तो वो कल वीडियो आएगा, वो जरूर देखिएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। 2022 में जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुई है उनको बिल्कुल वो शॉर्ट में आपके लिए प्रेजेंट किया जाएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।